अहमद खान जी करवाया। स्पीकर सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जो हरियाणा में कानून व्यवस्था है उसी के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे से पहले भी साथियों ने हाउस में इस पर बात की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, भाई चुप रहकर डर जा रहे, ये पूछना चाहता हूं कि जो गौ रक्षा के नाम पे गुंडे आपने मेवात में भेज रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार आपने दे रखे हैं, ये मैं आपको टेबल भी करूंगा, ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने ये? क्या पुलिस नहीं है जो जो आपने कानून बनाए हैं जो हत्या करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सके? ये क्या कारण है? मैं आपको बताता हूं, इन गुंडों ने जो गौ रक्षा के नाम पर मेवात में हमारे 3 लोगों की, नए लड़के नौजवानों की जो मौत लिए, जान लिए, उसके जिम्मेवार कौन है? ये हरियाणा सरकार है, गृह मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर मुख्यमंत्री है, क्यों लगाम नहीं लगाते वहां जाकर के? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने 4 घटनाओं को अंजाम दिया है, 28/1/2023-4/2022 को गांव शेखपुर में ये टीम हमारे मेवात के लोग हैं, कुछ जींद से आते हैं, कुछ रोहतक से आते हैं, गांव शेखपुर में जाते हैं, हथियारों को ले जाते हैं, और एक गाड़ी होती है पंचायत डेवलपमेंट की HR 70D 41 77, उसमें जबरन वहां से लोगों को उठा के गौशाला ले जाते हैं, वहां मारते हैं, फिर पुलिस को हैंड ओवर करते हैं, और जो परिजन होते हैं उनकी एप्लीकेशन को भी SP साहब नहीं दे सकते। उसके बाद दूसरी घटना इन्हें की 15/8/2022 को रावा गांव में, यही टीम गांव में जाती है, जंगलों में घूमती है, कोई गौ कसी नहीं होती, और वहां जाके जो हमारी बहन बेटियां जंगल में जाती है उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, गांव वाले विरोध करते थे, गोली चलाते हैं, और फिर पुलिस इन्हीं के खिलाफ जबरदस्ती, भाई डट जा रहे, जब बोलिए क्या होगा अभी मेरा टाइम है, 1 मिनट या तो इसको रोक दीजिए आप, उनको बोलने मेरा टाइम बंद कर दो, मेरा टाइम बंद करो। ये क्या है? आप बैठिए, आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरावता जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा, अपना अपने टाइम पे बोल लिए, जरावता बैठो टाइम पे बोल लिए, बराबर का विधायक हूँ, आप बैठो, जरावता जी बैठो, आप कर पाड़ूंगा, डर जाओ, भेजिए तो नब्बे बात में बैठिए, आप बैठो, अभी कोई आप कोई बात आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं जा रही, बैठिए। आप जरावत जी बैठिए, बात तो नेम करो, आप क्यों खड़े आ रही, बैठिए, बैठो आप, जरावत जी ऐसे बीच में नहीं खड़े हुए करते, वहां बहन बेटियों को साथ अश्लील हरकत करते हैं, जब गांव वाले विरोध करते हैं, फिर आप खड़े हो गए, आपको किसने अलाउ किया आपको? अरे मैं टाइम बंद कर रहा हूं, किसने अलाउ किया? बैठिए आप, आप मेरे तो मेरे मेरे सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश है कि जीरो ओवर है, अपनी बात मेंबर कह ले, कोई भी बीच में उसको डिस्टर्ब ना करे, और जो बोलने वाले है उनसे भी मेरा निवेदन है कि किसी की कोई इस टाइप की बात ना करे जिससे दूसरे के ऊपर टिप्पणी हो बिना मतलब। सर हमने किसी का नाम नहीं लिया, हकीकत है जो बता रहे हैं आपको, डर जा रहे भाई, ओ रुक जा भाई, टाइम शुरू कर दे दो बोलने से पहले, या आप टाइम का मेरे 2 मिनट पहले लगे, तो इन्होंने वहां असली सरकार की, वहां लोगों ने विरोध किया तो लोगों के ऊपर पुलिस ने विभिन्न धारा 307-379 के अंदर दिया, और जब गांव वालों ने दरखास्त दी, उन गुंडे जो गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, हद तो तब हो गई 28/1/2023 को वारिस सनोक फौज मोहम्मद गांव हुसैनपुर नहू का रहने वाला भिवाड़ी गया जो गाड़ी का काम करता है, उसको मोनू मानेसर टीम ने सुबह 4:56 पे उठाया, खोरी तावड़ू के पास रखा, 2.5 घंटे पीटा, वहां 2 बार PCR गई,